हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो 1857 की क्रांति के बाद 1947 के बीच में हरियाणा में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन दबाने से दोस्तों आपके पास जो भी भविष्य में मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा और हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा में जो घटनाएं घटित हुई। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हरियाणा में सबसे पहले शहीदी दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों वो मनाया गया था 23 सितंबर को। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है HSSC के द्वारा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 23 सितंबर को मनाया गया था। उसके बाद दोस्तों महेंद्रगढ़ की स्थापना कब और किसने की थी। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे रिलेटेड होंगे, तो महेंद्रगढ़ की स्थापना 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। तो भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1864 से 1887 के बीच में हुआ था, जो कि जींद में बनाया गया था, और इसको बनाने वाले राजा का नाम था रुधवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में प्रथम रेल लाइन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी। तो 1873 ईस्वी में यह अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है HSSC में कि कब चलाई गई थी। तो ये 1873 में चलाई गई थी, और कहाँ से चलाई गई थी, चलाई गई थी रेवाड़ी से दिल्ली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम गौशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो दोस्तों हरियाणा में प्रथम गौशाला की स्थापना 24 दिसंबर 1878 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण कब करवाया गया था। तो यह करवाया गया था 1881 में, और ये चालू हुई थी 1883 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेवाड़ी से बठिंडा जो रेलवे लाइन थी उसका निर्माण कब हुआ था, वो हुआ था 1881 में, और ये जो चालू की गई थी ये चालू की गई थी 1883 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हरियाणा में पहली बार कब आए थे। तो दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती हरियाणा में सबसे पहली बार 17 जुलाई 1878 को अम्बाला जिले में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कब और कहां खोली गई थी। तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में 1886 में अम्बाला में खोली गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे राय बहादुर मुरलीधर जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सनातन धर्म की प्रथम शाखा कब और कहां खोली गई थी। 1886 में झज्जर में सनातन धर्म की स्थापना की गई थी, और इसकी प्रथम शाखा वहां पे खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कब हुई थी। तो दोस्तों यह हुई थी 12 अक्टूबर 1888 में रोहतक में हुई थी, और इसके जो मुख्याध्यक्ष थे वो थे तुर्राबाज खां। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस की पहली जनसभा कहाँ पर हुई थी, रोहतक में हुई थी, कब हुई थी, 1888 में हुई थी, और इसके मुख्य जो अध्यक्ष थे वो थे तुर्राबाज खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1889 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे राय बहादुर लाला मुरलीधर जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में अंग्रेजों द्वारा कौन सी नहर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों 1893 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने कब दी थी। तो दोस्तों ये दी थी 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मुरलीधर को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 1904 में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राय बहादुर की उपाधि 1898 में दी गई थी, और केसरी हिंद की उपाधि 1904 में दी। अगला क्वेश्चन है, 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था और कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों शुरू किया गया था 1907 में, और ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था हिसार में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को देश से कब देश निकाला दिया गया था। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को वायसराय मिंटो ने देश निकाला दिया था, और इसका आदेश पंजाब के उपराज्यपाल बेसिल एप्सन ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो वो था बेसिल एप्सन, और वायसराय थे मिंटो, और तारीख क्या थी, 9 मई 1907 को। अगला क्वेश्चन है, लोहारो रियासत की स्थापना कब और किसने की थी।
तो दोस्तों लोहारू रियासत की स्थापना 1903 में नवाब अहमद बख्श खान ने की थी। इस रियासत के जो अंतिम नवाब थे वो 1947 में नवाब अमीनुद्दीन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1903 में इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना करने वाले थे नवाब अहमद बख्श खान। अगला क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा शमशुआ उलेमा की उपाधि कब दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी 1904 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो दोस्तों राय बहादुर की उपाधि शादीलाल को 1909 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर छोटू राम की सेठ छज्जू राम द्वारा आर्थिक सहायता कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1903 में। अगला क्वेश्चन है बाखड़ा डैम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बाखड़ा डैम की स्थापना हुई थी 1908 में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम कब रखा गया था? तो दोस्तों ये रखा गया था 29 दिसंबर 1909 को। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंबाला के उपायुक्त थे उनके बंगले पे जो बम रखा गया था वो 29 दिसंबर 1909 को रखा गया। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट सुधार कब आया था? तो दोस्तों ये आया था 1909 में। इसके विरोध में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभु का चिट्ठा की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेस्ले उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों नेस्ले उद्योग 1912 में समालखा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला कहां पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह झज्जर में 1914 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंदी माध्यम से जो प्रथम पाठशाला थी पहले उर्दू में हुआ करती थी, तो उसको 1914 में हिंदी में शुरू किया गया था झज्जर जिले में। अगला क्वेश्चन है, झज्जर गुरुकुल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों झज्जर गुरुकुल की स्थापना 16 मई 1915 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1916 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे सर छोटू राम। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती अभियान का 1917 में किसने विरोध किया था? तो दोस्तों 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके खिलाफ जो सैन्य भर्ती हो रही थी उसका विरोध करने वाले पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल लीग का प्रमुख सदस्य कौन थे? तो दोस्तों होम रूल लीग के जो प्रमुख सदस्य थे हरियाणा के वो थे पंडित नेकीराम शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो दोस्तों पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में लाहौर में की गई थी और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो शादीलाल जी थे और रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे। तो वो कहाँ के थे? वो रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे और मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय के बनने वाले पहले व्यक्ति शादीलाल जी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को हरियाणा में कब और कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इनको 10 अप्रैल 1919 को पलवल में गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कचहरी कब और कहाँ खोली गई थी? तो दोस्तों ये खोली गई थी 1920 में और ये खोली थी सर छोटू राम ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शैतान शब्द का यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोहतक में प्रथम बार कब आए थे? तो दोस्तों वो आए थे 17 फरवरी 1921 को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अंबाला में प्रथम बार कब आए थे? तो वो आए थे 8 मार्च 1921 को। तो दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने वो सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन HSCC द्वारा कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार हरियाणा में किस नगर पालिका ने किया था और कब किया था? तो दोस्तों ये रोहतक नगर पालिका ने 1921 में प्रिंस ऑफ चार्ल्स के आगमन पर बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, सर छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि कब दी गई थी? सर छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि 1922 में दी गई थी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों हरियाणा GK से रिलेटेड जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो डाली गई है उनको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और 100% आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। थैंक यू।